तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि केनरा बैंक में ऑनलाइन अकाउंट कैसे खोले हैं। तो अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई शुल्क चार्ज नहीं देना है, आप घर बैठे हुए अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से इसे खोल सकते हैं, केनरा बैंक में ऑनलाइन अकाउंट। तो अगर आप भी अगर खोलना चाहते हैं केनरा बैंक में ऑनलाइन अकाउंट, अगर आपको खोलने नहीं आता है तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ऑनलाइन अकाउंट कैसे खोले, वो भी जीरो बैलेंस, इसके लिए कोई शुल्क चार्ज नहीं देना है। तो आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप समझ जाइएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको क्रोम ब्राउजर आपके मोबाइल में के ओपन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर इस तरह का होता है, तो मैं इसे ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। दिखने के बाद आपको सर्च करना है, सर्च बार में केनरा बैंक ऑनलाइन अकाउंट, केनरा बैंक ऑनलाइन अकाउंट आपको इतना सर्च करना है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, केनरा बैंक ऑनलाइन अकाउंट आपको इतना सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट में है जो कि लिंक मिल जाती है, आपको इस पर सिंपली फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है, केनरा बैंक। हमने जैसे ही क्लिक किया तो एक न्यू पेज खुलकर आपको आ जाएगी, आप देख सकते हैं, जो कि केनरा बैंक का लोगो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आ जाना है। तो जैसे ही हमने नीचे आते हैं, तो थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं, जैसे हमने नीचे आए तो यहाँ आपको मिल जाती है ऑनलाइन ट्रैकिंग, ऑनलाइन आपको ट्रैकिंग मिल जाती है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर यहाँ आपको ओके पर क्लिक कर देंगे। हमने जैसे ही ओके पर क्लिक किया तो एक जो कि हमारी न्यू पेज खुलकर आ गई। आने के बाद फिर हम इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा हम और नीचे आ जाएंगे। तो हमें नीचे अब नहीं जाना है, हमें इस पर क्लिक कर देना है, हमें इस पर थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने थ्री डॉट पर क्लिक किया तो आपको मिल जाते हैं न्यू यूजर सिंह UPI, आपको यहाँ मिल जाती है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, सिंपली ये ऊपर वाले पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ये कर यूजर ID पासवर्ड, तो हमें न्यू क्रिएट है, तो न्यू क्रिएट के लिए आपको यहाँ क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं रेड में जो कि बार बार सिग्नल दे रही है, न्यू यूजर, जो कि आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हैं नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद हमको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाती है। तो कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमने क्लिक कर दिया तो आपको एक पेज खुलकर आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आपको ये अलाउ कर देना है या नहीं तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो हम इसे हटा देंगे, दोनों नहीं करेंगे। उसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये कह रहा है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हम यहाँ ईमेल आईडी जो कि डाल देते हैं, उसके बाद हम यहाँ ईमेल आईडी जो थी सॉरी ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ हम अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे। जो भी मेरा फ़ोन नंबर है मैं अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा। डालने के बाद यहाँ पर जनरेट OTP पर हम क्लिक कर देंगे, ताकि आपको जो भी ये मोबाइल नंबर दिए हैं तो आपको इस पर OTP भेजा जाएगा। आपको फिर OTP डाल जो कि आपको डालना है, उसके लिए वेरीफाई करना है। तो चलिए हम जनरेट OTP पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही क्लिक करके OTP वेरीफाई करने के बाद फिर यहाँ आपको लॉगिन आईडी डालना है, जो कि आपको फिर पैन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर, जो कि बैंक अकाउंट मतलब बताना चाहता हूँ, आपको सिर्फ पैन नंबर डालना है। और डालने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर एक OTP जो कि भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। ये सब प्रोसेस होने के बाद आपको एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको ये उस पर आपको अकाउंट नंबर आएगा। आने के बाद वो आपको वेरीफाई के लिए एक फिर फ़ोन आएगा, उसके लिए आपको बैंक में आपको नज़दीकी बैंक को आपको बुलाया जाएगा। जैसे आप जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ आपको केनरा बैंक होगा, नज़दीकी में ही आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा। और आधार कार्ड पैन कार्ड को वेरीफिकेशन करने के बाद आपको वहाँ से पासबुक दे दिया जाएगा, आपका अकाउंट जो कि ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आप अकाउंट को केनरा बैंक में ऑनलाइन खोल सकते हैं। तो आपको ये हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारी जानकारी दी हुई अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी ऐसे रिलेटेड लाऊं तुरंत नोटिफिकेशन आपको पल पल का मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।